नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे गल्फ देशों के बारे में। भाई दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, सऊदी अरबिया, किसी भी देश में अगर आप रह रहे हैं तो 100% गारंटी की बात है कि जो मैं बातें बता रहा हूँ ये सब लोगों के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि कंपनी समय से या तो पहले घर भेज देती है, जी हाँ, या फिर समय के पूरा होने के बाद भी आपको घर नहीं भेजती है। दोनों टॉपिक अलग अलग हैं, इस पर हम बात करेंगे। कंपनी में आप छुट्टी मांगते हैं तो कंपनी आपको छुट्टी नहीं देती है, जबकि कंपनी को अगर जचे तो वो आपको बिना आप छुट्टी मांगे आपको बोलती है हाँ आपको हम छुट्टी देते हैं, आप घर जाओ। और अगर आप ज़्यादा दबाव बनाते हैं छुट्टी लेनी है तो वो बोलती है वीज़ा कैंसिल कर दो, जी हाँ, या फिर वीज़ा कैंसिल करना या वीज़ा रद्द करने की धमकी देती है। तो ये पूरा माजरा कैसे होता है, ये स्थिति अगर आपके साथ में होती है तो क्या आपको चीज़ों की ज़रूरत है कि जो आपके आपको अगर पता है कुछ चीज़ों की, कुछ बातों की, तो 100% आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। अगर नहीं पता तो भाई 100% होने वाला है। तो अगर आप गल्फ देशों में रहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखिएगा ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर ले। कंपनी समय से पहले घर भेज देती है, क्यों भेज देती है भाई, इसका देखिए एक रीजन होता है। जैसे मान लो कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो इससे पहले कंपनी में अग्रीमेंट मान लो आपका 2 साल का है, लेकिन कंपनी में कई बार काम खत्म हो गया, काम नहीं है, वो आपको बिठा के कितने टाइम रखेगी, या फिर वो कंपनी डूब रही है, ख़त्म हो रही है, ये समझ लो उसके पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, तो वो कंपनी बोलती है आप जा सकते हो घर पे, तो आपको फिर घर आना पड़ेगा, आप घर आ जाओगे। दूसरी बात ये होती है कि भाई कंपनी आपको घर नहीं भेजती है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना टॉपिक। दूसरा एक अपोजिट है कि आप छुट्टी मांग रहे हैं, कंपनी आपको घर नहीं भेजती है, ज़बरदस्ती आप करोगे तो आपको रूम पे बिठा देना या फिर आपका वीज़ा कैंसिल करने की धमकी देना, ऐसा कुछ होता है। देखिए ये सब कुछ पूरी जो बातें ना ये सब कुछ करता है आपके अग्रीमेंट पे डिपेंड। अब अग्रीमेंट पे डिपेंड क्या करता है कि आपके अग्रीमेंट जो आप यहाँ से जाते हैं एक अग्रीमेंट होता है, दूसरा ओरिजिनल अग्रीमेंट मैं मानता हूँ, जहाँ आप कंपनी में जाने के बाद आपका एक अग्रीमेंट होता है उसको मैं ओरिजिनल अग्रीमेंट मानता हूँ। इंडिया से आपका वो अग्रीमेंट डुप्लीकेट ही होते हैं भाई, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, जी हाँ, उसमें सब कुछ बातें लिखी होती है मोहरे के दिशा निर्देश के अनुसार, लेबर कोड के दिशा निर्देश, जो लेबर लॉ है सभी देशों में अलग अलग, उसके अकॉर्डिंग लिखा होता है कि बंदे का ड्यूटी टाइम क्या रहेगा, काम कौन सा करना पड़ेगा, ओवर टाइम करेगा तो कितना करेगा, कितना उसमें सैलरी मिल पाएगा, सैलरी बंदे की कितनी लगी है, बोनस कब मिलेगा, और सैलरी से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, बीमार होने पे छुट्टी, बीमारी का भत्ता, बीमारी का खर्चा, ये आने जाने की टिकट का, वीज़ा रिन्यू कब होगा, ये सब कुछ जुगाड़ आपका जो भी मैंने बताए हैं 8-10 पॉइंट सब के सब आपके ऑफर लेटर में लिखे होते हैं। आप ऑफर लेटर में आपको ध्यान देते नहीं है, ऑफर लेटर का आपको पता ही नहीं है, आप वो तो इंग्लिश में लिखा है, उर्दू में लिखा है, नीचे साइन कर दिए, पता लगे कि 2 ऑफर लेटर पे साइन करवा रखे हैं, एक कच्चे पे, एक पन्ने पे, एक पक्के पे, आपको पता ही नहीं कच्चा कौन सा है, पक्का कौन सा है, जी हाँ, ये अग्रीमेंट का भी बड़ा झोल है भाई। इसमें भी ध्यान रखने की बातें हैं कि कंपनी आपको जो आपने छुट्टी मांगी, कंपनी आपको धमकी दे रही है कि वीज़ा कैंसिल करके घर चले जाओ, क्यों चले जाएं, ये छुट्टी देखिए 2 बातें उसमें, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। पॉजिटिव बात यह है कि आपके अग्रीमेंट के हिसाब से आप छुट्टी मांगिए, मान लो आपके अग्रीमेंट में 1 साल से 1 महीने की छुट्टी दे रखी है, तो आप 1 साल से छुट्टी मांगे हैं तो कंपनी को देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी तो आपके पास अग्रीमेंट है, ये देखिए सर 1 साल से छुट्टी का ऑप्शन है, प्लस आपके 1 महीने की तनख्वाह भी देंगे, प्लस आप मुझे 1 महीने की एक आने जाने की टिकट भी देंगे, ये मेरे ऑफर लेटर में लिखा हुआ है। तो आपके कंपनी का जो भी सीनियर अधिकारी है ना वो ज़्यादा चू चप्पड़ नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। बहुत सारी बार ऐसा देखा हो जाता है कि जो ब्लू कलर जॉब वाले होते हैं भाई, व्हाइट कॉलर, ये व्हाइट है, व्हाइट वाले तो पढ़े लिखे होते हैं, उनको तो सब कुछ पता होता है, कंपनी उसके सामने फड़फड़ाहट करती भी नहीं है। जो ब्लू कलर जॉब वाले हैं ना उनके सबसे ज़्यादा आप लोगों में प्रॉब्लम आती है। अग्रीमेंट अगर आपके पास है उसके हिसाब से छुट्टी मांगोगे, कंपनी को सब कुछ देना पड़ेगा जो उस अग्रीमेंट में लिखा हुआ है, ड्यूटी टाइम, आपका जॉब, ओवर टाइम, सैलरी, मेडिकल, बोनस, इंश्योरेंस, सब कुछ, खाना, छुट्टी, टिकट, फ्लाइट वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा। हाँ पता नहीं है तो कुछ नहीं है, आप समय पे आपका टाइम हो गया छुट्टी लेने का और फिर आप छुट्टी मांग रहे हैं, वीज़ा कैंसिल करने की धमकी दे रहे हैं, तो आप कंपनी को ये बात बता सकते हैं आपके अधिकारी को कि सर ये अग्रीमेंट में लिखा हुआ है, इसमें ये तो नहीं, तो आपका है, नहीं मेरा, ये आपका जिस भी देश में रहते हैं वहाँ के लेबर लॉ के अनुसार ये लिखा हुआ है, उसके अनुसार मैं छुट्टी मांगने का हकदार हूँ, मुझे छुट्टी मिलनी चाहिए। 100% गारंटी के बाद आप लिखवा के ले लेना, छुट्टी उनको देनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि मेडिकल से रिलेटेड इमरजेंसी छुट्टी क्या होती है। आप मान लीजिए यहाँ से गए किसी भी देश में, गल्फ देशों में 6 महीने हो गए, 4 महीने, 3 महीने,
और आपको अचानक से घर पे काम हो जाता है, कोई मेडिकल से रिलेटेड या कुछ भी डेथ हो जाती है, कोई भी रीजन, आपको ये लगता है कि हमें वापस जाना चाहिए, घर पे इंपोर्टेंट है, काम जाना पड़ेगा, और कंपनी से आप रिक्वेस्ट करते हैं, छुट्टी मांगते हैं, छुट्टी नहीं देती। मैंने ऐसे ऐसे देखा है भैया, आम आदमी आम आप बात है, सिकावटी क्षेत्र में लोग विदेश रहते हैं, किसी की माँ मर जाती है, किसी का फादर खत्म हो जाता है, कंपनियाँ इतनी हरामी है कि बंदे छुट्टी लेके रूम पे बैठा रहता है, पता लगे कि बाप को मरे आज एक महीना हो गया तब बंदा घर पहुँच पाता है, ये स्थिति है कंपनियों की। यानी इमरजेंसी छुट्टी भी वो लोग इतने हरामी हैं नहीं देते हैं, जबकि उनको टाइम एक साल से ऊपर हो चुका होता है, फिर भी वो छुट्टी नहीं देते। और इसका रीज़न ये है कि वो उनको पता होता नहीं है कानून का, और वो सामने फेस टू फेस बात नहीं कर पाते, तो वो फिर वो आवी हो जाते हैं, समझ रहे बातों। इमरजेंसी छुट्टी लेने के लिए भी छुट्टी मिल सकती है, 6 महीने से ऊपर, 6 महीने होने के बाद अगर आप छुट्टी ले रहे हैं ना, तो कंपनी को आराम से छुट्टी देनी चाहिए, उसका हक बनता है, आपका उनका राइट बनता है छुट्टी देने का। जी हाँ, और बता दूँ, 6 महीने से पहले छुट्टी ले रहे हैं तो कंपनी को लगता है कि यार वीज़ा पे इतना इन्वेस्ट हमने किया, 1-1.5 लाख रुपए खर्चा किया है, कल को बंदा नहीं आएगा तो कंपनियाँ कई तरह की शर्त रख देती हैं, आपकी जो बकाया पगार है वो बोलती है आप आके लेना, या फिर बोलती है वीज़ा का पैसा जमा करा के जाओ, फिर आप जैसे वापस आओगे तो हम आपको पेमेंट वापस कर देंगे, ऐसी सिचुएशन आती है। बाकी सच्चाई ये है कि कंपनियों की मनमर्जी चलती है, नो डाउट, ये सच्चाई है। कंपनियां समय से पहले घर भेज दें उनकी चलती है, कंपनी समय पूरा होने के बाद भी नहीं भेजती है उनकी चलती है, कंपनी जाए जब घर भेज दे, लेकिन आप जाए जब कंपनी को छोड़ के घर पे नहीं आ सकते, ये सब कुछ चलता है। लेकिन ये अग्रीमेंट अगर आपके पास ओरिजिनल है उसके हिसाब से आप चलते हैं तो आपकी चलेगी, कंपनी की नहीं, ये सच्चाई है। तो बस ये बातें शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीजन करे के साथ। जय।